वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच को लेकर कपिल देव ने तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान। विश्व कप विजेता भारतीय कप्तान कपिल देव ने भी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत को इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में अंतिम फैसला सरकार के हाथ में रहेगा। पूर्व ऑलराउंडर ने एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में सोमवार 25 फरवरी को कहा, जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैठक होती है तो क्या आप यह कह सकते हैं कि हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले रहा है। विश्व कप दो देशों का टूर्नामेंट नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। अब आपको फैसला करना है कि आपको पाकिस्तान से विश्व कप में खेलना है या नहीं। कपिल देव ने कहा, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का मुद्दा फिलहाल बहुत संवेदनशील है। हमें कुछ चीजें सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। सरकार को हमने ही चुना है। सरकार यदि अच्छा फैसला लेगी तो उसकी तारीफ होगी और यदि नहीं लेगी तो उसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। पूर्व कप्तान ने कहा, हमारे देश में सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है। जिसने कभी बला नहीं पकड़ा वह भी सलाह दे रहा है। इसी तरह हम भी राजनीति पर सलाह नहीं दे सकते। देश की जो राय रहेगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बातचीत करने के मुद्दे पर कपिल ने कहा, मैं इमरान से बात नहीं कर सकता। वह भले ही मेरे दोस्त हैं, लेकिन वे एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ दो देशों के बीच की बात है, मैं इसमें बात नहीं कर सकता। अगर मेरी सरकार भेजेगी तभी मैं जाऊँगा।